नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से करीब 3 से 4 ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं और कुछ 3 से 4 पेपर कटिंग। तो बने रहे हमारे इस वीडियो पे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को दबा कर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सो चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिसमें लिखा है द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए गए चुनौती मूल्यांकन आवेदन जो है पत्रों संदर्भ 26/2/2022 को प्रातः 790 से 800 के विषयों का परिणाम जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन सभी दोस्त लोग का लिस्ट होगा जिसका रिजल्ट जारी हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिस्ट हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से इतने दोस्त लोग का जो है रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के तरफ से ऑफिशियल नोटिस है जो कि यहाँ पे विज्ञप्ति के तरफ से जारी किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, सिर्फ जानकारी के तौर पे, जिसमें लिखा है कि परीक्षा के अंक बिना अनुक्रमांक अथवा बिना नामांकन संख्या के अपलोड कर दिए गए, जिससे परीक्षा परिणाम घोषित करने में त्रुटियां हो सकती है। तो इस तरह का यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि 5/3/2022 तक पुनः अनुक्रमांक का एवं नामांकन संख्या सहित आंतरिक परीक्षाओं का अंक प्रत्येक दशा में अपलोड कर दें। तो ये सभी जो है आप लोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ संस्थान महाविद्यालय की कॉलेज के लिए, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए आप सबके सामने शेयर किया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस की ओर। नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के तरफ से आया है और यहाँ पे देखिए अभी 803 से 847 तक का यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम अपलोड कर दिया गया। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन सभी छात्र का लिस्ट होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग इससे रिलेटेड हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से इसमें अपना नाम खोज सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेकेंड लिस्ट भी है, इसमें भी देख सकते हैं अपना नाम होगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से BDS परीक्षा, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास जानकारी दिया गया है कि BEd सत्र 2017-19 द्वितीय वर्ष का परीक्षा जो है मुख्य 2020 के साथ भूतपूर्व परीक्षा। तो जो भी जानकारी है आप लोग इसको जो है BEd की जो भी जानकारी है आप लोग पढ़ सकते हैं, इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों जो भी ऑफिशियल नोटिस था शेयर किया। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कटिंग की ओर। तो पेपर कटिंग में आप लाइक देख सकते हैं, विज्ञान से ज्ञान अलग होना चिंता का विषय है, जैसा कि यहाँ पे CCSU में साइंस फेस्टिवल का रहा शनिवार को 5वां दिन। तो आप लोग यहाँ पे जो भी है आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कौन से प्रतियोगिताएं में यहाँ पे अपडेट आ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका भवन में शिफ्ट होगा VC ऑफिस। तो यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट है आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्च को होंगे मोटा के चुनाव। तो आप लोग चौधरी चरण सिंह, यहाँ पे देखिए शिक्षक संघ मोटा कार्यकारिणी वर्चुअल बैठक हुई। तो जो भी है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से नियति और चरित्र ही सामाजिक शोध का मूल, यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसकी भी जानकारी आप बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी था दोस्तों हमने आप सभी के सामने शेयर कर दिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लगा तो वीडियो को दबाकर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।